Mirror, mirror on the wall, काश मेरे होते coolest abs of them all. Mirror, mirror on the wall, काश मैं होता सबसे fit और सबसे tall. Sharks, जब हम usually mirror में देखते हैं तो सिर्फ हमारी खामियां दिखाई देती है, लेकिन इमेजिन करिए एक ऐसा आईना जो आपके सारे खामियों को खूबियां बना देता है. Wow. हाँ शार्क्स, ये आप इमेजिन नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है. Hello sharks, welcome. It is time to step into the future and reimagine fitness with Portal. Namaste sharks, mera naam hai Arman. Mera naam Vishal. Aur main Indraneel hoon aur hum Hyderabad se aaye hain. Aur aaj hum leke aaye hain ek anokha mirror. Ek life size interactive fitness mirror jo hai aapka multifunctional home gym with built-in personal trainer. पोर्टल एक ऐसा मिरर है जो ना सिर्फ आपको वर्कआउट कराता है, बल्कि अपनी अनोखी टेक्नोलॉजी से आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करके रियल टाइम फीडबैक और गाइडेंस भी देती है. पोर्टल की एआई टेक्नोलॉजी से हम हमारे यूजर्स को सिर्फ पर्सनलाइज्ड और रेलेवेंट वर्कआउट्स ही देते हैं. इसके अलावा पोर्टल आपको एक्सेस देता है अ वाइड वैरायटी ऑफ वर्कआउट्स. तो विनीता, अगर आपको एक रनर स्पेसिफिक प्रोग्राम चाहिए तो आप हमारे वर्कआउट लाइब्रेरी से वो सिलेक्ट कर सकते हैं. नमिता, अगर आपको कुछ सूदिंग चाहिए जैसे कि योगा या मेडिटेशन, वो भी हमारे वर्कआउट लाइब्रेरी में अवेलेबल है. और अमन, अगर आप डांस करना चाहते हैं एंड स्टिल बर्न दोस कैलोरीज, मैं रन और ये करना चाहता हूँ. डांस तो मैं रोज करता हूँ सोते हुए भी. मुझे भी रन करना. और जल्द ही हमारे सब्सक्रिप्शंस और वैल्यू एडेड सर्विसेज के थ्रू आप लाइव क्लासेस, न्यूट्रिशन कोचिंग और मेंटल वेलनेस के फीचर्स भी अवेल कर सकते हैं. हमने अब तक 50 पोर्टल स्टूडियोज ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं और 5000 से भी ज्यादा कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं. पोर्टल स्टूडियो को आप हमारे वेबसाइट से डायरेक्टली या एक्सपीरियंस सेंटर से घर ले आ सकते हैं. और जल्द ही पोर्टल मिडिल ईस्ट में भी लॉन्च करने वाला है. हमारा विजन ये है कि पोर्टल टीवी और स्मार्टफोन्स के बाद हर घर की तीसरी स्क्रीन बने. टू रियलाइज दिस विजन, पोर्टल इज आस्किंग फॉर 1.5 करोड़ फॉर 1% इक्विटी इन द कंपनी. मतलब 150 करोड़ का वैल्यूएशन. Yes. Wow. Okay. After hearing that, I need a workout. So, पहले हम दिखाते हैं इसकी क्या फीचर्स हैं. So, जैसे कि आप देख सकते हो, जब ये ऑफ होता है वो एकदम एक कॉम्पैक्ट और एस्थेटिकली डिजाइंड फुल बॉडी मिरर है. लेकिन जब हम इसे ऑन करते हैं तब ये बनता है आपका पोर्टल टू पर्सनलाइज्ड हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस. हर एक यूजर के रिक्वायरमेंट्स और हेल्थ कंडीशंस बहुत ही यूनिक होते हैं. हमारी टेक्नोलॉजी से हम इंश्योर करते हैं कि आपको सिर्फ वही वर्कआउट्स मिले जो आपके लिए रेलेवेंट हो. एट पोर्टल हर एक यूजर को हम चार लेंस से देखते हैं. पहला, उनके हेल्थ वाइटल्स. पोर्टल बायोसेंस के थ्रू हर एक यूजर की 6 यूनिक हेल्थ वाइटल्स हम चेक करते हैं. इससे हमें उनका एक बेसलाइन मिल जाता है और हमारे सिस्टम को ये पता चलता है कि आपको क्या वर्कआउट नहीं देने चाहिए. दूसरा, हमारा पोर्टल फिटनेस टेस्ट. तीसरा है आपके यूजर प्रेफरेंसेस. और चौथा, आपका इंटरैक्शन हमारे मिरर के साथ. हमारे सिस्टम्स और सेंसर्स आपकी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर, मेजर और एनालाइज करती है और उस हिसाब से ये पता चलता है कि आपका नेक्स्ट वर्कआउट क्या होगा. हमारे सारे वर्कआउट्स पोर्टल के हाईली वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स और सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स लीड करते हैं. एक डेमो दे दीजिए यार. आप क्यों ना आ जाए, प्लीज कम फॉरवर्ड कराओ. अभी यार ऐसा कुछ कराना जो मैं कर पाऊं. जैसे आप अभी देख रहे हैं ये एक स्केलेटन ट्रैकिंग मूवमेंट है. तो अभी एवरी टाइम व्हेन यू डू द रॉन्ग फॉर्म ये आपको डिटेक्ट करेगा विद अ कलर डिटेक्शन कोड. अभी चालू है. हां, डंबल तो लो. आपको यहां पे फीडबैक आएगा. मैं थोड़ा डिटेक्ट करता हूं. नो, इट्स सेइंग रेज योर आर्म्स हायर. इट्स सेइंग आस्क योर रेज योर हैम. तो मेरे काउंट करा उसने नहीं किया अभी. एक भी काउंट नहीं किया है. एक तो कर ला यार काउंट. अच्छा, एक किया है. ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन. यू गो ऑल द वे अप, ओनली देन इट विल काउंट. ठीक है, समझ गया मैं. वेरी एक्साइटिंग, यूनिक प्रोडक्ट एंड कूल हेयर स्टाइल्स आल्सो. आपका हेयर ड्रेसर कौन है? अमन को जरूरत है. अरे कमाल, देख ध्यान से. मिल गया आपको लगता है नया हेयर ड्रेसर.
तो विशाल आपको हिंदी नहीं आती ऐसा कुछ है क्या? My Hindi is not up to the mark. तो आप भी नमिता की तरह 8 साल US में रहेंगे? ये पले बड़े अमेरिका में. ओके ओके, तो आप तीनों एक दूसरे को कैसे मिले? ये एक्चुअली मेरे स्कूल के दोस्त है. कहाँ पे थे, कौन से शहर में, कौन से स्कूल में? हैदराबाद. वहीं पे पढ़ाई वढ़ाई वहीं की है. मैं पहले प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था और तो इसलिए फिटनेस मेरे लाइफ में ऑलवेज एक बड़ा कंपोनेंट रहा है. लेकिन मेरा एक्चुअल बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस में है. और क्रिकेट कहाँ तक खेले? स्टेट लेवल्स. मेरे को दिखे नहीं, आप कौन सी स्टेट के लिए थे? हैदराबाद. मैं दिल्ली से था. श्योर, वी बिलीव. आप मेरे सीनियर हो. मैं बैटिंग बैटिंग सीनियर ऑलराउंडर था मैं. और आपकी हाइट से लग रहा है फास्ट बॉलिंग करते थे. जी बिल्कुल. आपको याद नहीं, मैंने आपकी 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे. बाद में खेल लेंगे, एक बार टेस्ट करते हैं. बोलना पड़ेगा की UI/UX wise और फील वाइज ना अच्छा बना है. बहुत अच्छा. ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों आपने बनाया है खुद? जी. तो एक मेरा बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है आपके लिए. व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस? दिस इज प्राइस्ड एट 1,25,000. 1,25,000. अभी मैं आपको वहीं पे रोकता हूं. ये है मेरा बहुत फंडामेंटल और बहुत मुद्दे का सवाल. इसकी क्या जरूरत है मुझे? आज की टेक्नोलॉजी को लेके फोन में कैमरा कैपेबिलिटी ऐसी है कि आप फोन को अपने टीवी के साथ कनेक्ट कीजिए और आप जो भी दिखा रहे थे ना एग्जैक्टली वही आपको अपने एग्जिस्टिंग टीवी स्क्रीन पर मिलेगा विद नो एडिशनल कॉस्ट. तो मैं 1,25,000 रुपये क्यों दूं? आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल बहुत सारे ऐप्स और सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज आ गई है जो आपको कुछ ना कुछ फॉर्म फीडबैक दे देगी, ठीक है, और इमर्सिव एक्सपीरियंस भी बन जाएगा टीवी पे, ठीक है. लेकिन हमने बहुत रिसर्च की है इसके बारे में. मान लो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, फॉर देम द फॉर्म फैक्टर एंड एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट कीप्स देम मोटिवेटेड. So one of the USPs of our product is personalization. We are personalizing at an extremely granular level. Sirf 2D camera se aapko 3D mein transform karte hain. Aapke pure angles, body curvatures, muscle loading, ye sab kuch banaya hum. It is a much deeper science. I think to add to that as well, na, hum log ek tech aur content company hai. My hardware company nahi hai. Ye hamara ek product vision nahi hai. This is one of our SKUs, our flagship product. हमारा टेक स्केलेबल है, वही समझना था. बियॉन्ड फिटनेस एंड वेलनेस. तो इसमें कितने कैमरास हैं फॉर इट टू, बिकॉज़ ये काफी सीमलेस चल रहा था. तो इसमें एक्चुअली डेप्थ सेंसर है और उसके साथ साथ टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरास भी हैं. वो आपने पोजीशन करके लगाए हैं या वो स्क्रीन के साथ ही आए थे? नहीं नहीं, हमने अलग से पोजीशन करके उसके एल्गोरिथम्स बनाए. एक एक हम थोड़ा बैक स्टोरी देंगे. हमारी पिछली कंपनी एक 3D बॉडी स्कैनिंग कंपनी थी. इंटरेस्टिंग. हम ऑटोमेटिक बॉडी मेजरमेंट्स करते थे फैशन इंडस्ट्री और फिटनेस इंडस्ट्री. क्या नाम था कंपनी का? इट वाज फिट स्टोरी, बट इंटरनेशनली इट वाज कॉल्ड TG3D. तो हमने वो हाल ही जैन 2020 में लाइसेंस किया किसी बड़े फैशन कंपनी को. और वो टेक क्या करता था एक बार फिर से समझाइए. ऑटोमेटिक बॉडी मेजरमेंट्स इन 3 सेकंड्स. फोन से? नहीं, इट वाज अ डेप्थ सेंसिंग सॉर्ट ऑफ इन अ एनक्लोजर. राइट, इट वाज डेप्थ सेंसिंग एनक्लोजर. और वो छोड़ के फिर आपने ये शुरू कर दिया? छोड़ा नहीं है ना, रेवेन्यू आ रहा है उनका. कितने पैसा आ रहा है? सो राइट नाउ पर ईयर वी गेट $2 million. सेम कंपनी? इसी कंपनी में? इसी कंपनी में. अलग कंपनी? कौन? तो आप दो जॉब्स? सिर्फ आप दोनों और उसके साथ और एक इन्वेस्टर था. आप वो इस कंपनी में डाल दोगे तो मैं अभी नहीं, लेकिन ये मुझे बॉदर कर रहा है. एक सीरियस क्वेश्चन है, आप वहाँ काम नहीं करते होंगे पर आप शेयर होल्डर तो है ना? हाँ, शेयर होल्डर है. तो मेरा ये प्रश्न है, एज टू जेंटलमैन, आपका ध्यान पोर्टल में होगा जहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ये कंपनी में जाएगा जहाँ इतना इतना सारा रेवेन्यू है आपका? तो जब हमने इस कंपनी में रेज किया पैसे VC से, उनका ये एक स्टिपुलेशन था कि हम दूसरी कंपनी में कुछ ना करें. हमने वो किया. हमारे कुछ डिसीशन मेकिंग है ही नहीं. ये आपने कहा एक VC राउंड रेज हो चुका है, तो ये VC राउंड क्या है, कब हुआ, क्या वैल्यूएशन? पोर्टल हमने चालू किया मार्च 2021 में. उसके बाद जून में हमने एक सीड राउंड उठाया 7.5 crores का. अच्छा. at a 30 crore valuation post money. 7.5 crore किसने डाला? Which VC?
कलारी कैपिटल कलार वाह अच्छा उसके बाद तो जून से लेके अब अप्रैल तक हमने प्रोडक्ट बनाया टीम बनाया कंटेंट बनाया और अप्रैल 2022 में हमने सेल्स शुरू की अब तक हमारे पास 5,500 कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स साइंड ऑर्डर्स हैं कितने साल के दिस इज फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स ये प्रोडक्ट के बारे में बता दे ये कितने का पड़ता है और क्या आपको बचता है कितने खर्चा निकाल के क्या पड़ता है हमारा ग्रॉस मार्जिन है जब हम डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हैं एट 45% और जब हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से जाते हैं तो करीबन 30% होता है इंटरनेशनल जब मिडिल ईस्ट मार्केट में हम कर रहे हैं हमारा मार्जिन और थोड़ा ज्यादा है अराउंड 52% तो आप इवेंचुअली पैसा बना रहे हो या पैसा लौटा रहे हो आज हम वी आर मेकिंग मनी वी हैव यूनिट लेवल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऑन डिवाइस पर ये 50 करोड़ जो आप बनाओगे अगले 12 महीने में जो आपके ऑर्डर आ गए उसमें आप प्रॉफिटेबली बनाओगे उसमें हम विल बी बर्निंग अबाउट 3 करोड़ 50 करोड़ में भी 3 करोड़ बन 50 करोड़ नहीं 60 करोड़ ऑन द ऑपरेशनल लेवल एट द इबिटडा लेवल हम से क्यों ऐसा होगा सो अभी हमारा मार्केटिंग कुछ भी नहीं हुआ है इंडिया में पर 5,000 ऑर्डर तो आ गई है वो वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा आपको मार्केटिंग क्यों करनी है आई थिंक मैं अगर कुछ कह सकता हूं तो जो ये जो कस्टमर जैसे आप कह रहे हैं कि एक रीसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या लोकल मार्केटर है उसको भी आगे बेचना है तो मार्केटिंग और अवेयरनेस और कस्टमर एजुकेशन बहुत ही जरूर हो जाती है तो वी हैव टेकन द रिस्पांसिबिलिटी दैट हम मार्केटिंग करेंगे तो आपको ब्रांड अवेयरनेस बहुत करनी पड़ेगी बिल्कुल सही कहा अवेयरनेस होगी क्यों करनी है आपको अगर आपके कस्टमर वहां हां ऐसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करेंगे तुम बताओ So तो कर सकते हैं इट्स अ हाईली एक्सपीरियंशियल प्रोडक्ट इट्स अ यू नो वो लग्जरी मार्केटिंग प्रीमियम मार्केटिंग में जीसीसी में बहुत छोटे-छोटे कंट्रीज हैं हर कंट्री का अलग यू नो इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं तो मतलब आप इंडिया में क्यों मार्केटिंग करोगे वो करना ही इतना बड़ा काम है नहीं इंडिया में भी काफी सारी अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है 1% ना आपकी जो वहां की अपॉर्चुनिटी है उसके कंपैरिजन नहीं नहीं वो तो अभी स्टार्ट नहीं है ना अभी तो 5000 बेचे अभी तो स्टार्ट कर रहे हो बेचना अभी सिर्फ 4 महीने में हमने चालू किया अपना जर्नी सेल्स में और मार्केट एक्सपेंशन में Just for clarification, आपके पास एक order है for 5,000 pieces a year for the next 3 years confirmed. Yes. मतलब कि आपके पास 150 करोड़ के order हैं confirmed for the next 3 years. वो yes. back out नहीं कर सकता खरीदार. ये पक्की बात है. ये पक्की बात है. Ironclad contract. अच्छी अच्छी ठीक. What is vision of your company? Vision क्या आपकी कंपनी का? 5 साल में क्या होगी ये कंपनी? So we are going to look at 2 things to do on this. One is make this available and make portal the personalized health, fitness and lifestyle companion. And then if God willing, you know, we'll sort of get acquired by someone or maybe we'll acquire someone. We don't know. बातें छोड़िए. आपका 30 करोड़ का last valuation था. 1.5 crore for 5%. That's my offer. Wow. Yeah. हमारा ऑफर सुन लीजिए पहले सुन लो मेरा ऑफर सुन लिया आपने 1.5 करोड़ 5% के लिए मैचिंग योर लास्ट राउंड मेरी ऑफर आपको है मुझे लगता है आपको प्रॉफिटेबली चलाना चाहिए वो मार्केटिंग में यू नो वो वाली मार्केटिंग करनी चाहिए जैसे वर्ड ऑफ माउथ कंटेंट जिसमें पैसे नहीं खर्च हो आपकी आस्क थी 150 करोड़ मैं आपको उसकी जगह 50 करोड़ की वैल्यूएशन दे रही हूँ तो 50 लाख इन इक्विटी For 1% and 1 crore at a 12% debt. Oh, loss में है वो कहाँ से interest भरेंगे यार? पर आपका आपके पास cash है? तकरीबन 60 lakh. और कितना burn है महीने का? 26 lakh rupees burn total expenses है 37. 10 lakh की revenue अभी आ रही है ना month-on-month. तो पर आपके पास 2 महीने के पैसे हैं 2 महीने के बाद आपके पास पैसे नहीं हमारे पास ऑलरेडी सॉफ्ट कमिट्स है क्योंकि हम एक लार्जर राउंड उठा रहे हैं अभी कितना राउंड उठा रहे हो कलारी पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं जी बिल्कुल कलारी पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोरेटा बेसिस अच्छा आप हमारी वेल वो तो सुन लो पहले पीयूष आप दे रहे हो मैं हम दे दें पहले मैं हो सकता है तुम्हें ज्वाइन कर लूं ठीक है तो हमारी डील सुन लो तो हमारा मेरा और अमन का ऑफर ये है 1 crore for 2% एंड 50 lakh डेट पर आपको 2 sharks मिलेंगे एंड अगर पीयूष ज्वाइन करना चाहते हैं तो पीयूष आपका क्या व्यू आप हाँ। आना चाहते हो देखो मेरा अमन ऑफर ये बन रहा था कि 1 crore for 2.5% वी कैन ऑफर टुगेदर आल्सो 1 crore for 2.5% आप ले लीजिए 3 sharks एक सेकंड एक बार सारी ऑफर्स क्लैरिफाई कर देते हैं अब आप डिसाइड करिए आपके पास 3 ऑफर है आप क्या करना चाहते हैं ये जो आप बिजनेस कर रहे हैं ना मिरर वाला इसका एक लिमिट है राइट आपका यूआई अच्छा है आपको सॉफ्टवेयर समझ में आता है आप 3D
स्कैनिंग बहुत अच्छी करते हो एंड यू कैन गिव गुड फीडबैक, अगर आप इसको यूटिलाइज करेंगे तो आप एक $100 मिलियन कंपनी की छोड़ के $1 बिलियन कंपनी बन सकते हो। आप तीनों की इक्विटी क्या है, बस लास्ट क्वेश्चन। टोटली इट इज 64% ऑन विद द फाउंडर्स। हां तो 21% ईच अप्रोक्स। देयर इज एन ईसॉप पूल एंड 25% विद कलारी। बहुत कम है। दैट्स फाइन। कलारी दैट्स ओके। थैंक यू विनीता एंड थैंक यू अनुपम फॉर योर ऑफर्स, बट हम एक काउंटर ऑफर करना चाहते हैं टू अमन, नमिता और पीयूष। हम ऑफर करना चाहते हैं 1.5 करोड़ फॉर 2.5% इक्विटी and the debt structure is 1 crore for 12% interest. Debt to bacha hai nahi. 1.5 ho gaya to debt chala gaya. Increasing our ask, that is likely. I think let's do the 1.5 at 2.5%. Namita, main okay nahi hu yaar usse. You're not okay with it? Ek baar discuss kar lete. But Namita and Aro, okay, yeah, I think it's fine. Bhai, it's a good... Even if they grow up for what? Piyush ke hey, hey, ruk jao, yaar. Aap ruk to jao. Hum aapas mein peechhe discuss kar liye. Haan, chalo, discuss. We will give you 1.5 crore for 2.5% under the assumption ki aapka ye round ho raha hai. ठीक है, that's the round that we're raising. So can we do a deal? Good. Thank you guys, are fabulous. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.